आज के सबक में हम पढ़ेंगे कसर पर नंबर 14 और 15 पंचायत द्वारा शुरू था इसका कसर पर नंबर 14 और 15 आज हम पढ़ेंगे। नसर पर नंबर 14 शुरू होता है, एक बार वो भी बिगड़े सेठ जी गर्म हो पड़े। यहाँ से आप अपनी किताबों पर निशान लगा ले, एक बार वो भी बिगड़े सेठ जी गर्म हो पड़े, यानी अलगू चौधरी को भी गुस्सा आ गया, सेठ जी गर्म हो पड़े। गर्म के नस पर निशान लगा ले, गर्म होना लफ्जी माना गुस्से में आ जाना, गर्म होना बमाना गुस्से में आ जाना। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी, सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबासा हुआ यानी रहस्य मुबासा हुआ। मुजादले की नौबत आ पड़ी, मुजादले के नस पर निशान लगा ले, मुजादला बमाना जंग या हंगामा करना, मुजादला करना यानी जंग या हंगामा करना। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए, कबाड़ का माना है दरवाजा बंद कर लिया। गांव के कई मुअज्जज आदमी जमा हो गए, मुअज्जज के नस पर निशान लगा ले, मुअज्जज बमाना इज्जतदार, मुअज्जज बमाना इज्जतदार। गांव के कई मुअज्जज आदमी जमा हो गए, दोनों फरीद को समझाया, सेठ समझू को दिलासा देकर यानी समझा बुझाकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फटोल से काम न चलेगा। सर फटोल के लफ्ज पर निशान लगा ले, सर फटोल बमाना लड़ाई झगड़ा, सर फटोल करना यानी लड़ाई झगड़ा करना। इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ पंचायत में तय हो जाए उसे मान जाओ। सेठ जी भी राजी हो गए, अलगू ने भी हाँ कर दी, हामी भर ली। यहाँ तक नसर पर नंबर 14 है, आप निशान लगा ले। आगे इसकी तशरीह सुन ले, बैल की कीमत वसूल करने पर एक दफा तो अलगू चौधरी भी बिगड़ बैठे, क्योंकि सेठ समझू उसे कीमत अदा नहीं कर रहा था, तो बहस मुबासा हुआ। इसी दौरान अलगू चौधरी भी गुस्से में आ गए, सेठ समझू भी गुस्से में लाल गिले होने लगे, सेठानी जी भी जोश में आकर घर से बाहर निकल आई, खूब सवाल और जवाब होने लगे, खूब बहस हुई, मार कुटाई तक नौबत पहुंच गई। सेठ जी घर में घुस गए और कबाड़ बंद कर लिए यानी दरवाजा बंद कर लिया। गांव के कई इज्जतदार लोग इकट्ठे हो गए, फरीकैन को समझाया यानी सेठ समझू और अलगू चौधरी दोनों को समझाया, सेठ को तसल्ली देकर घर से निकाला और मशवरा दिया कि इस तरह लड़ाई झगड़े से मामला तय नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करने का कोई फायदा नहीं, पंचायत कर लो, जो फैसला हो जाए उसे तस्लीम कर लो। सेठ जी और अलगू दोनों इस बात पर राजी हो गए यानी पंचायत करने पर राजी हो गए। ये नसर पर नंबर 14 था और उसकी तशरीह। नसर पर नंबर 15 ये शुरू होता है, आप निशान लगा ले। चौधराई और फहमीन में एक दिन जोरों की ठन गई, यहाँ से नसर पर नंबर 15 शुरू होता है। चौधरी और फहमीन, चौधराई यानी सेठ की बीवी और फहमीन ये अलगू की बीवी है, एक दिन इन दोनों में जोर से ठन गई, ठनी यानी ठनी के लफ्ज पर निशान लगा ले, ठन गई बमाना खूब लड़ाई हुई, इन दोनों के दरमियान ठन गई यानी खूब लड़ाई हुई। दोनों खवातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी यानी खूब तसलसल से दूसरे को बुरा भला कहा, तशबीहात और इस्तियारात में बातें हुई, तशबीहात और इस्तियारात में बातें हुई, इस लफ्ज पर निशान लगा ले, तशबीहात और इस्तियारात में बातें हुई, मुराद खूब मुबन्नजात बकी यानी खूब एक दूसरे को बुरा भला कहा। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी, बीबी को डांटा यानी जुम्मन ने आकर लड़ाई खत्म की, जुम्मन ने आकर अपनी बीवी को वो ले गया और लड़ाई खत्म कर दी, बीवी को डांटा और जमगा से हटा ले गया यानी जो लड़ाई की जगह थी जहां लड़ाई हो रही थी वहां से हटाकर घर ले गया। उधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी, चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी, इस लफ्ज पर निशान लगा गए, चौधराइन की शीरी बयान की दाद दी बमाना खूबसूरत बातों की तारीफ की, तंजिया अल्फाज है यानी पिटाई की। तो यहाँ तक नसर पर नंबर 15 था, ये आप निशान लगा ले। आगे इसकी तशरीह सुन ले, खाला जान की पंचायत के बाद अलगू का एक बैल मर गया, जुम्मन ने दोस्तों को कहा ये दगाबाजी की सजा है, जुम्मन ने दोस्तों से कहा ये दगाबाजी की सजा है जो अलगू को मिली, अलगू ने मुझसे मेरी दोस्ती की मुझे धोखा दिया, मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था। अलगू को अंदेशा था कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवा दिया, अलगू को इस बात का खतरा था कि जुम्मन को मुझसे दुश्मनी है, इसी दुश्मनी को निकालने के लिए जुम्मन ने मेरे बैल को जहर दे दिया, लेकिन चौधराई का ख्याल था कि इस पर जादू टोना कराया गया है, चौधराई अलगू चौधरी की बीवी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि चौधराई और फहमीन में तकरार हो गई, चौधराई यानी अलगू की बीवी और फहमीन वो शेख
शेख शेख जुम्मन शेख की बीवी थी, दोनों में झगड़ा हो गया इस बैल की वजह से। दोनों ने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा, खूब मुकल्लजात यानी बहुत बुरी बुरी बातें की गुस्से को। थोड़ा जुम्मन ने इस लड़ाई की आग बुझा दी, बीवी को डांट कर मैदान जंग से ले गया। इधर अलकू चौधरी ने चौधराइन के पीठे अंदाज बयान की तारीफ की, यानी उसकी खूब पिटाई की कि तुमने इतनी फजूल बातें क्यों की है। तो ये नस्ल पारा नंबर 15 था। तो ये दो नस्ल पारे आपने अच्छी तरह याद करना है, और याद करने के बाद इसे लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।